Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हार्डलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। प्रोग्राम से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 10 दिनों में पाकिस्तान में पे दर पे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत से वाकयात होते हुए नज़र आए हैं और आवाम में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में वबा की सूरत हाल है और पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपने देखा कि केसेस में बतदरीज इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और आए दिन जिस तरह नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ रहे हैं उसी तरह हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ केसेस भी डे बाई डे अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 2,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और पूरी दुनिया भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। लेकिन इस पेंडेमिक को फेस करने के लिए हमें जिस नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, हमें जिस इत्तफाक राय की ज़रूरत है, जहाँ पे कौमी यकजहती की ज़रूरत है, वहाँ पे जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वफाकी सरकार और पाकिस्तान की जो मेन पार्टीज़ हैं वो सियासत करती हुई नज़र आई हैं। मैं सियासत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दोनों तरफ से मुसलसल हमने देखा है कि बयानबाजियाँ हो रही हैं। एक तरफ से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, वज़रा के ज़रिए बताया जा रहा है कि जी ये बंदा गिरफ़्तार होगा, इसके पीछे नैब पड़ेगी, जैसा कि एक पूरा स्क्रिप्टेड सीन चलाया जाता है किसी मूवी का, उसी तरह हमें होता हुआ नज़र आया है। और मैंने सोचा कि आज मैं इस पर बात करूँ कि जो कुछ वाकयात हुए हैं गुज़िश्ता 10 दिनों में वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और आवाम के लिए उनका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से नैब ने वारंट्स निकाले, फिर उन्होंने ज़मानत ली और अभी 17 जून तक उनकी ज़मानत है। 17 जून तक नैब को मना किया हुआ कि जी आपने उनको टच नहीं करना है, लेकिन 9 जून को नैब ने उनको फिर से तलब करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ तोशाखाना केस के हवाले से बड़ा एक्टिव हमने देखा हुकूमत को, इंतज़ामिया को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हुई देखी कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी ने आसिफ जरदारी को गाड़ी क्यों बेची, फिर नवाज़ शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जो है वो गिलानी से जो है वो बतौर वज़ीर आज़म गाड़ियाँ लीं और ये सरकारी मालखाने की चीज़ें हैं जो गुम हो गई हैं या जो बेच दी गई हैं, ये उनका केस है जिस पे फिर से एक एक्टिविज़म जो है वो किया गया है। मियां साहब के हवाले से उनको कोर्ट में पेश करने के लिए गिरफ्तारी तक का कहा गया है कि जी उनको गिरफ़्तार करके लाया जाए। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब को पिछली जो पेशी है उसमें इस्तिस्ना दिया गया और अब उनको दोबारा अगली पेशी पर कहा गया है कि जी वो पेश हों। तो एक ये केस हमने देखा कि हमारे सामने नज़र आया। टिड्डी दल का जो इशू है वो पाकिस्तान में एज़ इट इज़ है, उस तरफ अभी तक कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ इस लोकस पे बात हो रही है कि जी लोकस को ख़त्म करें, लोकस तबाही कर रहा है, लेकिन तबाही कितनी कर रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आने वाली फ़ूड शॉर्टेज पे, फूड इनसिक्योरिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। ये जो हमारे खेत तबाह हुए हैं, ये जो हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर जो हमारी ज़रई अजनास की पैदावार है वो जो मुतासिर हो रही है, उस पर हमें कहीं पे कोई डिस्कशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये बताया जाता है प्रेस रिलीज के ज़रिए कि जी इस एरिया में स्प्रे हो गया, इस एरिया में ये काम हो गया, बट लोकस का जो जी की जो तबाहकारियाँ हैं वो स्टिल कंटिन्यूस है। दूसरा ये एक अहम इशू, अहम मामला जो पिछले 10 दिनों से मुसलसल चलता हुआ आ रहा है। तीसरा आपने देखा होगा कि सिंथिया डी रिची नामी जो अमेरिकन ब्लॉगर हैं उनका और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बयानबाजियों का चक्कर हुआ वो भी आजकल, आज तो खैर उस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पेंडेमिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, लोकस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और जो दीगर मसाइल हैं आवाम के उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। लॉकडाउन में SOPs पे अमल दरामद ना होने से ज़्यादा इशू, इसलिए मीडिया पर इसको बड़ी कवरेज दी जा रही है सिंथिया डी रिची के हवाले से जो मामला है।
तीसरा आपने देखा कि जी जो चीनी स्कैंडल है उसके किरदार अब खुलकर सामने आ गए, फर्दर गवर्नमेंट ने कार्रवाइयाँ करनी थी, वो कार्रवाइयाँ तो नहीं हो सकी, लेकिन इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट हुआ मीडिया पे और रिपोर्ट के हवाले से जो बातें हुई, जो चीज़ें सामने नज़र आईं, उनमें सबसे ज़्यादा जो नाम हमने सुना चीनी स्कैंडल में वो जहांगीर तरीन साहब का था, और जिनके हवाले से आपने ख़बरें सुनी होंगी कि वो चंद दिन पहले मुल्क से बाहर जा चुके हैं और इस वक्त वो लंदन में हैं, और उनके अपनी ट्वीट के मुताबिक कि वो मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए हैं। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स मुसलसल हो रही है, अवाम को एवरी डे एक न्यू इशू मिल रहा है डिस्कस करने के लिए, एक नए इशू पे, एक नए मौजू पे बात हो रही है, एक नई बहस छिड़ रही है। अब आने वाले दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में एक नेशनल लेवल पे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है और इस सिलसिले में इन्विटेशंस भी दिए जा रहे हैं, तो बज़ाहिर ये एक सफबंदी होती हुई नज़र आ रही है कि जो वफाकी हुकूमत है, कोई माने या ना माने, मुल्क के जो चीदा मामलात हैं उनकी क्योर करने में, उनको देखने में, उनको संभालने में नाकाम हो चुकी है। और दूसरी लेवल पर हमने देखा कि जो IMF और हुकूमत पाकिस्तान के बीच में जो बातें चल रही हैं उनमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। IMF की जो शरायत हैं, IMF चाहता है कि इस बार जो बजट बने वो उनके शरायत पर बने, उनकी जो तजावीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखकर बनाया जाए, जिसमें सैलरीज़ की कटौती है, नई नौकरियां ना देने की बात है, लोगों को जॉबलेस करने की बात है। और अब आज की जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी अगर पाकिस्तान ने IMF की शरायत पर अमल दरामद ना किया तो पाकिस्तान का जो IMF से प्रोग्राम है कर्ज़ा लेने का वो मुतासिर हो सकता है। अब वो किस तरह मुतासिर होगा ये एक कम्प्लीट इकोनॉमिक डिबेट है, इस पर हम किसी और वक्त में बात करेंगे। लेकिन इसी के तनाजुर में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता जाऊं कि इस वक्त जो अचीवमेंट्स हमारे आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट होने जा रही हैं, हुकूमत जो दिखाने जा रही है, उसमें 3 से 4 अहम चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत अपनी कारकर्दगी एक बेहतरीन लेवल पर दिखाने की कोशिश करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और हो सकता है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे। लेकिन वो चंद चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको हम जारी अकाउंट खसारा कहते हैं, वो इस पूरे मामले के बाद जो पेंडेमिक का मामला है उसमें वो कम हो गया है। और इस करंट अकाउंट डेफिसिट का कम होना बज़ाहिर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और इसके कम होने की वजूहात ये हैं क्योंकि बंदरगाहें बंद थीं, क्योंकि पूरी दुनिया एक लॉकडाउन से गुजर रही थी, इसलिए हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ मुअत्तल रहीं, और उन ट्रेड एक्टिविटीज़ के मुअत्तल रहने की वजह से जो हमारी हैवी इम्पोर्ट्स होती थी, जो बाहर से हम चीज़ें मंगवाते थे और उनके अगेंस्ट हम ज़र मुबादला को जो यूटिलाइज़ करते थे, उसकी यूटिलाइजेशन सुस्त रवि का शिकार हो गई क्योंकि ट्रेड बंद हो गई, और इस वजह से वो जितने एक्सपेंस होने थे वो ना हुए। एक्सपोर्ट हमारी ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट जो है हमारी वो इम्पोर्ट की मद में कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो इसी हवाले से हमारा एक सामने से जो हमारा एक ट्रेड डेफिसिट बनता है उसका फिगर भी इस बार हमें थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके इंडिकेटर्स बहुत भयानक हैं। जॉबलेसनेस इस पूरे इरा में ख़ास तौर पे पिछले साल के माली बजट से लेकर इस साल तक, जो माली साल हमारा एंड हो रहा है 30 जून को, उस तक जॉबलेस क्लेम्स बढ़े हैं, ज़्यादा लोग जॉबलेस हुए हैं, बेरोज़गारी मुल्क में बढ़ी है, बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर ये दो वो मेन इंडिकेटर्स हैं जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक अहम रोल अदा करते हैं। जाहिर बात है जब बेरोज़गारी हो रही है इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन साइड पे, आपके ट्रेड साइड पे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं, वो कम हुई हैं जिसकी वजह से कंपनीज़ या जो जो कारोबारी हजरात हैं वो इस स्टाफ का बर्डन नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको फायर कर दिया। तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक साइड पे पाकिस्तान का एक भयानक चेहरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम दुआ करते हैं, होप करते हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं,
तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था कि गुज़श्ता 10 दिनों में ऐसे क्या अहम वाक़यात हुए और आने वाले 10 दिनों में क्या होगा, तो एक तो ये जो APC बुलाई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इस APC में डेफिनेटली पेंडेमिक पे बात होगी, टिड्डी दल पे बात होगी, लेकिन एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज देने में पीपल्स पार्टी कामयाब जाएगी या नहीं जाएगी ये उस APC में डिसाइड होना है। कौन सी पार्टीज इसमें शिरकत करती हैं, कौन सी पार्टीज नहीं करती हैं, ये भी डिसाइड होगा। हत्ता ये भी देखना होगा कि क्या हुक्मरान जमात को इनवाइट किया जाता है और क्या हुक्मरान जमात इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये एक अहम चीज़ है जो आने वाले हफ्ते में हमें होती हुई नज़र आएगी। और फिर जो केसेस लगे हुए हैं मियां साहब का, जरदारी साहब का, उनको देखना है कि उसमें क्या पेशरफ्त होती है। और तीसरी लेवल पे शहबाज शरीफ साहब हैं, वहाँ पे क्या पेशरफ्त होती है। और इस सारे मंजरनामे में जो मेन चीज़ इस वक्त हुकूमत अचीव करना चाहती है वो है बजट मंजूर कराना या बजट पे कंसेंसस करना। हुकूमत चाहेगी कि वो पॉपुलर डिसीशंस ले, हुकूमत चाहेगी कि वो इस पेंडेमिक में जो प्राइसेस गिरी हैं बाहर के मुल्कों में उनका एडवांटेज ले और आवाम को बताए कि उन्होंने ये रिलीफ दिया है। टैक्सेस की मद में हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, तो एक बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और शायद ये उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट ना कश्मीर मामले पर कंसेंसस पे गई अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, ना टिड्डी दल के मामले पे अपोजिशन के साथ कंसेंसस की तरफ गई, और ना ही पेंडेमिक के हवाले से तहरीक इंसाफ और जो बिलखसूस जो सिंध की सूबाई हुकूमत है वो हमें कंटिन्यूस एक कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में मुब्तला नज़र आए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ करते। तो कंसेंसस की जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो हो नहीं पा रहा, कोशिशें भी की जा रही हैं, मुलाकातें भी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। तो इट्स वेरी टेंस सिचुएशन, जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें एक परेशान कुन सूरत हाल है। अब देखना यह है कि जो PTI के वज़रा कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां होंगी और ये इंसाफ का अमल चलेगा और यहाँ पे सफाइयां होंगी, तो क्या वो बात सच होती है या विद इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सफाइयां होना शुरू हो जाती हैं। शौकत जरदारी को दीजिए इजाज़त, जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा ये पेज सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ, नेवर मिस एन अपडेट।